इस एंगल तो ठीक आवा वैसे मिल गया। ठीक है जी, ठीक है। क्यों भाई शादियों में होने वाले कुछ किस्से ऐसे भी होते हैं जो पूरे परिवार के लिए यादगार बन जाते हैं। वैसे भी हर दुल्हा दुल्हन की यही चाहत होती है कि उनकी शादी में सब कुछ अलग हो। इसके लिए परिवार वाले भी हर वो कोशिश करते हैं जिससे उनके घर का हर फंक्शन एकदम अनोखा लगे। ऐसा ही एक किस्सा पंचकुला जिले के गांव मौली से सामने आया, जहां एक दुल्हा अपनी दुल्हनिया को लेने हेलीकॉप्टर से गया। यह अनोखी शादी इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक पंचकुला जिले के गांव मौली के रहने वाले गोपाल राणा के बेटे शेखर चौहान की शादी कैथल के सतीश राणा की बेटी शालू से तय हुई थी। सोमवार सुबह 8:20 पर मौली गांव के धर्मशाला प्रांगण में देहरादून से हेलीकॉप्टर पहुंचा। हेलीकॉप्टर के पहुंचते ही लोगों में फोटो खिंचवाने की होड़ लग गई। दुल्हे ने बताया, मेरे माता पिता की यह ख्वाहिश थी कि मैं अपनी दुल्हन को शादी कर हेलीकॉप्टर से लेकर गांव में आऊं, इसीलिए हेलीकॉप्टर से मैं दुल्हन लेने जा रहा हूं। दुल्हे ने यह भी बताया कि उसकी शादी भी बिना दहेज के की जा रही है। दहेज में सिर्फ 1 रुपया लिया गया है। ये मेरे माता पिता जी का सपना था और उन्होंने इसको पूरा करने के लिए पूरा प्रयास किया और हम बिना दहेज के जो शादी है वो बिना दहेज के कर रहे हैं और इसमें प्रशासन का और फैमिली वालों का, मेरे जो मित्र हैं और गांव वाले सबका सहयोग। मैंने जन्म लिया, उसके बाद मैंने सूचना सौंपी थी माता ज्वाला जी के मंदिर में, मेरे घर में एक बेटी भी पैदा हो। उस टाइम मेरे मन में विचार आया कि जो डिस्ट्रिक्ट पंचकुले में ऐसी कोई शादी ना हुई हो लड़की की, कैसी मैं करूँ। मैंने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की है। आज तक 2018 से अब तक या उससे पहले इतनी बड़ी शादी राजपूत समाज में नहीं हुई। मेरे मन में विचार आया, अगर मैं बेटी की शादी समाज में सबसे बड़ी कर सकता हूं तो बेटे की शादी भी सबसे बड़ी करूंगा। और हेलीकॉप्टर में जो आज तक हमारे यहाँ 30-40 किलोमीटर के एरिए में नहीं कोई लड़का गया, मैं अपने बेटे को हेलीकॉप्टर में शादी के लिए। हेलीकॉप्टर में दूल्हे को चढ़ता देख वहां मौजूद सभी लोगों ने खूब फोटो खिंचाई। कोई सेल्फी में तो कोई बैक कैमरे से फोटो खिंचाते समय पोज देता नजर आया। वहीं इस मौके पर गांव में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ी और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।